नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टी नेशन में और मैं हूं आपका होस्ट कार्तिक। आज हम बात करेंगे भारत में मौजूद हॉन्टेड और क्रीपी प्लेसेस के बारे में। आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इस लिस्ट में भानगढ़ के किले या फिर भानगढ़ फोर्ट ने अपनी जगह नहीं बनाई है और इस लिस्ट में पहला नाम आता है तंबी देहर माइंस का। मसूरी के आउटस्कर्ट्स में स्थित इन माइंस में चूने और अन्य चीजों की खदानें थी। हालांकि सुरक्षा सावधानियों में अनियमितता के कारण इन माइंस को बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लेबर्स रहते थे, लेकिन अनुचित खनन के कारण उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो जाती थीं और वो एक दर्दनाक मौत मरते थे। अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है और रात के समय में यहाँ से गुजर रहे पर्यटकों की अक्सर ही दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है। सबसे हाल ही में यहाँ इस देहर माइंस साइट के पास एक हेलीकॉप्टर की चौंकाने वाली दुर्घटना सामने आई थी। बहुत कम आबादी वाली इस जगह के कुछ स्थायी लोगों की माने तो यहाँ एक चुड़ैल रहती है और सर्दियों के दिनों में ये जगह और भी डरावनी लगती है। अब बात करते हैं डाउ हिल कुर्सेओंग की। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित ये पहाड़ियाँ अपनी असाधारण या पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ आत्माएं रहती हैं। दिसंबर से मार्च तक 3 लंबे महीनों के लिए स्कूल के बंद होने पर भी लोग ये कहते हैं कि स्कूल से निकलने वालों के नक्शे कदम या फिर चलने की आवाज़ सुनी जा सकती है। स्कूल के आसपास के जंगलों में अनगिनत लोग मारे गए हैं और स्थानीय लोगों का मानना है कि आत्माएं उन्हें नहीं छोड़ेंगी और इस तरह उनके दिन चिंता में व्यतीत होते हैं। जबकि कुछ स्थानों ने मृतकों का आनंद लेना शुरू कर दिया है और अन्य लोगों को डराने में आनंद लेते हैं। पर्यटकों और शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ पर की जा रही छानबीन केवल अनसुलझे सवालों को ही खड़ा करती है। यहाँ की चौंका देने वाली बात है कि यहाँ एक सड़क है जिसे डेथ रोड का नाम दिया गया है। यहाँ पर नस्सर का लड़का आने जाने वालों का पीछा करते हुए पाया गया है। वो सड़क से जंगल की ओर बढ़ता है और फिर गायब हो जाता है। थाई लोगों का यह कहना है कि जो भी उसे देख लेता है वो उसे कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उसके सपने में आता रहता है। इस वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया क्योंकि उस बिना सर के लड़के को वो हर जगह अपने आसपास महसूस करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे स्थान पर एक भयानक और अदम्य एहसास होता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण इस बात को साबित नहीं करते। हालांकि यहाँ पर बढ़ती हुई सुसाइड्स की संख्या बहुत ही चिंता का विषय है। आपके क्या विचार हैं इसे लेकर कमेंट्स में जरूर बताइए। इस लिस्ट में अगली जगह डूमस बीच गुजरात। ऐसा माना जाता है कि कभी यहाँ हिंदू धर्म के लोगों का शमशान स्थल था और यहाँ के स्थानीय लोग ये शिकायत करते हैं कि इन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, खासकर रात में। कोई इनके कानों में फुसफुसाहट करता है जब ये समुद्र तट के निकट पहुंचते हैं और उन्हें चेतावनी दी जाती है वो यहाँ से वापस चले जाएं। और जो इस चेतावनी को अनसुना करके आगे बढ़ते हैं हमेशा के लिए उस समुद्र में डूब जाते हैं। इस लिस्ट में आखिरी जगह बनाई है मुंबई की डिसूजा चौल ने, भारत के कुछ फेमस हॉन्टेड प्लेसेस में से एक। इस चौल के बारे में कई अफवाहें प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के निवासी बताते हैं कि यहाँ पर एक महिला थी जो कुएं से पानी भरते वक्त कुएं में जा गिरी थी क्योंकि तब कुएं के आसपास कोई दीवार नहीं थी। उस औरत की रूह आज भी उस चौल में घूमती है और लोगों को डराती है। वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने उस औरत की रूह को देखा है। हालांकि वहां के निवासी ये बताते हैं कि वो रूह वहां आती जरूर है और जैसा कि माना जाता है एक बार सूरज उगने के बाद गायब हो जाती है, लेकिन रात होने के बाद वो फिर से आ जाती है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और प्लीज यार प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो।